सो ये है आपका बोमला पास जाने का रास्ता, और यहाँ से आपको ना नीचे आने से राइट लेना होगा। ये जो रास्ता है राइट वाला, तो आपको ले जाएगा जो 108 वाटरफॉल्स। तो चलते हैं अभी। तो आप आर्मी जवानों को, मतलब सोल्जर्स को पूछ लेना, तो कंफर्म कर लेना कि दे आर वेरी हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, और दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो जब आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ का आर्मी जो है वहाँ आप मतलब थोड़ा रुक के पूछ लेना अच्छी तरह से, टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। देन आप अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे क्लियर कर लेना, और आगे का रास्ता आप प्रोसीड कर सकते हैं। अभी हम लोग बुमला पास विजिट करके जा रहे हैं टूवर्ड्स 108 वाटरफॉल, एंड इट्स कॉल्ड चुमी गैत्से ऑल्सो। और देखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे लोकल ड्राइवर्स तो बोल रहे कि मतलब 6-7 घंटा लगेगा ऊपर, तो देखते हैं अभी कितना सच है, हम लोग कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पे। सो अभी 11 बजे स्टार्ट किए हम लोग बुमला पास से, एंड आप बुमला पास में इट्स नॉट यू नो आई मीन आप ज़्यादा मत रुकिएगा, मैक्सिमम लाइक 45 मिनट्स रुकने से काफ़ी है, और आप जल्दी से यू नो आप यहाँ से निकल के ट्राई टू रीच 108 वाटरफॉल्स। तो ज़्यादा मत रुकेगा अगर यू नो इफ यू आर अनकम्फर्टेबल, लेकिन उतना अनकम्फर्टेबल हम लोग को तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि आई थिंक यू आर एक्लमेटाइज विद दिस यू नो क्लाइमेट कंडीशन। 108 वाटरफॉल्स है वो तो, और लो मतलब एल्टीट्यूड अराउंड 11,200। तो अभी जाते हैं वहाँ, और यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी कर लिए, रास्ते में भी किया था, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा आपको ना कुछ कंज्यूम करने, मतलब यू हैव टू ईट समथिंग टू फिल योर स्टमक, एम्प्टी स्टमक मत चलिएगा, ड्रिंक वाटर, हाइड्रेट योर सेल्फ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप आराम से आ सकते हो। यहाँ आके आपको पता चलेगा कि हाउ आवर इंडियन आर्मी यू नो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में हाउ दे लिव एंड यू नो दे प्रोटेक्ट आवर नेशन। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी अगेन, यू नो आफ्टर विजिटिंग द बॉर्डर, और वहाँ की जो स्टोरी सुन के ना आपको ना एक पेट्रोइज्म में फील आता है, जो मतलब देशभक्त बोलते हैं ना, यू फील वेरी प्राउड। सो और एक इम्पोर्टेंट बात है कि वी वेर वेरी वरीड अबाउट आवर केट, कुछ प्रॉब्लम होगा बोल के, बट ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल, और अभी यू नो अभी सो रहा है वो। अगर आप लोग के साथ भी यू नो अंडर 3 ईयर्स चाइल्ड है, तो यू नो आप ले आ सकते हो, लेकिन उसको कैरी करना, बाहर मत छोड़ना, क्योंकि दे विल यू नो जस्ट रन हेयर एंड देयर, तो उसी टाइम पे ना हार्ट पॉल्पिटेशन होने जाने से तो ब्रीदिंग शॉर्टेज भी होगा, इसीलिए आप कैरी करना बेबी को, इट विल बी फाइन देन। ही इज स्लीपिंग, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सो रहा है अभी। ये बाहर का कंडीशन ऐसा है फॉग का, तो हम लोग स्लोली चला रहे हैं। अभी देख सकते हो आप यहाँ का जो वाटरफॉल जाने का रास्ता ऐसा है, ये थोड़ा मतलब ऑफ रोड टाइप का ही है, जो मेन बुमला पास का रास्ता से थोड़ा ऑफ रोड है ये। सो गाइस अभी देख सकते हो आप चुमी कैसा है, वाटरफॉल जाने का रास्ता ऐसा है, थोड़ा ऑफ रोडिंग है। अगर ये फॉल जाना चाहते हो तो यू कैन डू इट, बट थोड़ा टाइम लेके आना, टाइम भी लग सकता है, क्योंकि सो गाइस अभी देख सकते हो कुरकुरे का प्लास्टिक ना एकदम ये फूल गया है, क्योंकि
ये जो हम लोग अभी हाई ऑल्टीट्यूड पे ना एयर प्रेशर के कारण ना ऐसा फूल जाता है पूरा, अभी फटने वाला है, अभी जैसे लग रहा है कि टाक से फट जाएगा। चलो अभी इसको खोल के खाते हैं। 25 किलोमीटर कवर, 25 किलोमीटर, एंड यू नो ऑफ रोड है पूरा, यू गेट यू नो पेबल्स, बिग पडल्स, मड, ये सब मिलेगा आपको। तो अभी यहाँ से जो शुरू होती है ऐसे, मतलब टारमैक रोड, जो इट्स कंडीशन अच्छा है यहाँ पे, तो रिपेयर वर्क भी चल रहा है। तो अभी थोड़ा गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे एंड यस अभी जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोड सही है अभी। कंस्ट्रक्शन ही है अभी यहाँ पे, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है ये रोड्स वगैरह, सो BRO ही मेंटेन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक यू नो कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट होने से ना तो जल्दी कवर हो जाएगा, 8-9 महीने में तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो उसी टाइम पे आप कोई भी गाड़ी से आराम से आ सकते हो, मतलब अभी भी आ सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब लो ग्राउंड क्लियरेंस होने से ना नीचे टकराएगा, ये होगा, बट आ सकते हो आप एक्जैक्टली। सो गाइज आप लोग के लिए थोड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं टू शो यू द थिंग्स अराउंड। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना यार, आपका सपोर्ट बहुत ही चाहिए। होप आप मुझको यू नो सपोर्ट करेंगे और इसी तरह मैं आपको यू नो नया, मतलब एक्साइटिंग और थ्रिलिंग जो एडवेंचर रोड ट्रिप्स और दिखाता रहूं आप सबको। तो आप चलो मेरे साथ अभी वाटरफॉल्स में। स्क्रीन पे देख सकते हो गूगल मैप्स पे, तो यहाँ है दिस इज इंडिया और ये द ब्लैक बॉर्डर लाइन इज चाइना। सो हम लोग यही आसपास में है चाइना के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस यू नो, अभी ऊपर ही चाइना है और हम लोग इसके नीचे ठीक चल रहे हैं। सकते हो सडनली वेदर चेंज हो गया और जितना भी फॉग लगा था, बादल लगा था, थोड़ा स्लोली हटने लगा है अभी, थोड़ा दिखाई दे रहा है वैलीज यू नो। और बिल्कुल हम लोग अभी वैली के नीचे है एंड हम लोग डाइवर्जन पे पहुंचे और यहाँ पे दो डाइवर्जन है, एक है डेंताम की तरफ जो हॉट स्प्रिंग है और एक है होली वाटर की तरफ। गूगल मैप्स को आप ब्लाइंडली, मतलब गो थ्रू गूगल मैप पूछते रहना, क्योंकि आपको मतलब गूगल ना वो चाइना का भी दिखा देगा। तो ये होली वाटर मुझे दिखा रहा था कि नहीं यहाँ 5 घंटा यू नो, तो 120 किलोमीटर दिखा रहा था कुछ। इट्स बेटर टू आस्क लोकल पीपल और आर्मी वालों को पूछने से ना, इट्स बेटर।
गाइस जब आप लोग आएंगे यहाँ पे तो ऑन द वे टू होली वाटर ऐसा मतलब वाटरफॉल जहाँ आपको देखने को मिलेगा, इट्स रियली अमेजिंग यार। देखो ना झरने कहाँ से आ रहा है, सी द वाटर कमिंग ऑफ, कुछ अलग सा ही है। तो गाइस अभी हम लोग है होली वाटरफॉल और झूमिंग एक्सो भी बोल, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही यू नो मिस्टीरियस और डिवाइन है ये, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अभी हम लोग होली वाटर लेक होके अभी निकल रहे, सो इट वॉज रियली अमेजिंग एंड यू नो एक अलग सा फीलिंग है यहाँ आके। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, तो आप खुद आके यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस कर लेना और ज़्यादा वीडियो भी मत बनाना यहाँ पे, बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। हम लोग तो घूम के चले जाएंगे टूरिस्ट और सोशल मीडिया में डाल देंगे, लेकिन बाद में ना हमारे जवानों को ही झेलना पड़ता है सब। तो प्लीज़ बी रेस्पॉन्सिबल और प्लीज इरेस्पॉन्सिबली वीडियो को अपलोड मत करिएगा। तो अभी तो एक चीज़ याद नोटिस किया मैंने कि अभी मेरे घड़ी में देखिए अभी मोबाइल में ना 5:30 दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल इंडियन टाइम है 3 बज रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे चाइना का टाइम दिखा। अभी हम लोग है तवांग के रास्ते में और आप देख सकते हो अभी दिन क्लियर होने के बाद अभी इट्स ऑलरेडी 4:30 इन द इवनिंग, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्योंकि दिन में ना क्लियर नहीं। सो गाइस ऐसे नज़ारे देखने के लिए ना आपको खुद आना पड़ेगा। सो ये है अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरत वादी। अगर भी नेचर लवर हो या एडवेंचर अच्छा लगे टू विजिट अरुणाचल प्रदेश, होली लेक विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं सो नई जगह में नई डेस्टिनेशन पे, सो अंटिल देन हैप्पी ट्रैवलिंग।
Ha ha ha.